सर मैंने ओला इलेक्ट्रिक लिया है 121 के भाव पे, 650 शेयर है सर मेरे, तो मुझे इसमें ऐड करूं या क्या करूं, लॉस में हूं सर मैं। आपने क्यों लिया था? आईपीओ के बाद भाग रहा था तो सोचा डाल लेती हूँ, चल जाएगा और ऐसा? हाँ नहीं सर, नई नई कंपनी है और इलेक्ट्रिक अभी गाड़ियां वगैरह आ रही है, तो अभी उसका ट्रेंड भी चल रहा है, तो वो भागने के बाद वो जब नीचे आ रहा था तब मैंने सोचा कि अभी लू, 110 को आया तो तब नहीं ली, और 130 के बाद लिया और उसमें एवरेज कर कर के मेरा 121 हो गया सर, माल भरता तो चला क्या गया, करना। स्टॉक फिर भी 40 रुपये नीचे, एवरेजिंग का ज्यादा फायदा हुआ नहीं। खैर, ओला इलेक्ट्रिक राजेश सर क्या करा जाए, बड़ी गाज गिर गई थी बीच में, ट्वीटिंग वीटिंग के चक्कर में बड़ा सारी पोल खुल गई, पर ओला इलेक्ट्रिक है कैसी कंपनी, 88 पे खड़ी है और मेरी खरीद एवरेज करके 127 पे है सर, 121 पे, सॉरी। देखिए पहले कंपनी की बात करें तो प्योर ईवी प्लेयर है, 34% का मार्केट शेयर है, D2C में कामकाज करती है, करीब करीब $1 बिलियन का इन्होंने निवेश किया है पूरे ईवी इकोसिस्टम में। लेकिन अगर आप देखो तो पिछली तिमाही में भी, पहली तिमाही जो इस साल की हुई उसमें भी इनके लॉसेस बढ़ते हुए नजर आए, ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि बॉटम लाइन में कोई सुधार नियर फ्यूचर में होने वाला है। जैसे आपने कहा कि कुछ सोशल मीडिया के पोस्ट को लेकर के कुछ दिक्कतें हुई थी, उससे कंपनी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी एक बैड नेम तो हो ही जाता है। और लेकिन अगर आप वो भी उसके साथ जोड़ेंगे तो अभी ऐसी भी खबरें निकल कर आई कि उन्होंने अपने एक मॉडल पे ₹25,000 तक का डिस्काउंट दे दिया था, जो कि 80,000 की गाड़ी में 25,000 का डिस्काउंट। क्वालिटी कंसर्न्स लगातार बने हुए हैं, ये तो उछाल पे निकलने की ही सलाह रहेगी। यहाँ अरे उछलेगा का, मेरी तो खरीद ही बहुत दूर की हो गई सर। अब मतलब ये क्या, 100 पे आस पास निकल जाऊं, लॉस लॉस पे ही निकलूं, कम लॉस पे निकलूं, ऐसा? यस मेरे